भी आ रहे हैं ना, शॉर्टकट जुगाड़ी होता है। ओके क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा इसमें आपने क्या करना है, जब भी ये टाइमलाइन वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसका शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले आप देखें ईयर एंड कब हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, December 31। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ डेट लिख लें December 31 ईयर एंड हो गया। इसके बाद आप देखें पेमेंट की डेट क्या है, पिकअप करता है वो, 1 अक्टूबर थी ना पेमेंट की डेट, अक्टूबर, और फिर अक्टूबर में पे किया था उसने, अक्टूबर अक्टूबर। यहाँ पे आप पेमेंट की डेट मार्क कर लें October 1। ठीक है, अच्छा देखिए, अब अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ्स हुए, 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो आज हमारा ईयर एंड हो रहा है, आज है डेट 31 दिसंबर, पेमेंट हमने की थी लास्ट कब, अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर। जो आपने करंट ईयर की पेमेंट की है, करंट ईयर की पेमेंट कितनी है, ये हमने करंट ईयर में पे किए 1200, हमने लास्ट ईयर पे किए थे ना, तो करंट ईयर में पे कितने कर रहे हैं, 1600। 1600 में से आप क्या करेंगे, 3 मंथ्स के एक्सपेंस कैलकुलेट कर लें, 3/12, क्या आंसर आ रहा है, 400। ये तो हमारे हो गया अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने, 3 मंथ्स के एक्सपेंस आ गए। अच्छा अब अक्टूबर से पीछे कितने मंथ्स रह गए, 9। तो 9 मंथ्स के एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट ईयर की पेमेंट से, लास्ट ईयर कितने पे किए थे, 1200। 1200 से आप 9 मंथ्स के एक्सपेंस कैलकुलेट कर लें, 900 हो गए, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 1300 आपके टोटल एक्सपेंस आ जाएंगे। टोटल एक्सपेंस कितने हो गए, 1300। तो देखिए पहले भी आंसर क्या था, 1300। ठीक है, तो ये एक एक्सपेंस कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट सा तरीका है। हाँ तो उसमें से 900 आपके प्रीपेड है ना, अब इसमें से प्रीपेड कितने हैं, 1600 में से 3 मंथ्स हमारे एक्सपेंस हो गए, तो बाकी 9 मंथ्स, 9 मंथ्स प्रीपेड है ना, कितने आ गए, 1200। तो ये 1600 का ब्रेकअप आ गया ना, 400 एक्सपेंस, 1200 प्रीपेड। ठीक है, अच्छा यही अप्लाई करते हैं शॉर्टकट इस पे 17 पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17, इसमें देखिए फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है इसका, 30 जून को, 30 जून को फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, तो यहाँ लिखते हैं जून 30। अच्छा इसकी पेमेंट की डेट क्या है, पिकअप करता है अप्रैल 1 है ना, अप्रैल 1 को पे कर रहा है पेमेंट। अप्रैल से जून कितने मंथ्स हुए, अब 3 मंथ्स के एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर की पेमेंट से, करंट ईयर में कितने पे किए, 28,800 × 3/12, आंसर बताएं, 7200। अच्छा अब ये 3 मंथ्स पीछे कितने मंथ्स रह गए, 9। तो 9 मंथ्स के एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट ईयर की पेमेंट से, 25,920 × 9/12, आंसर आ रहा है 19,440। तो टोटल एक्सपेंस कितने हो गए आपके, 26,640 के टोटल एक्सपेंस आ गए। जब देखें 28,800 में से 3 मंथ्स के एक्सपेंस है, तो बाकी 9 मंथ्स के प्रीपेड हो जाएंगे, 28,800 × 9/12 प्रीपेड आ जाएंगे, 21,600। ये इसका एक शॉर्टकट हो गया, इसमें आपको टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही, अच्छा 18 भी सॉल्व कर लेते हैं इसी तरह। 18 में काफी डेट्स में काफी लग गए थे जब सॉल्व कर रहे थे, अब ये इजी हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, आप सबसे पहले देखें फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, 28 फेब, डेट लिख लेते हैं यहाँ ईयर एंड की, 28 फेब, राइट। अच्छा पेमेंट की डेट क्या है, पेमेंट करता है 1 जून को, जून 1। अब जून से फेब तक कितने मंथ्स हुए, जून से फेब तक कितने मंथ्स हुए, 9 मंथ्स।
9 months के एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर की पेमेंट से। करंट ईयर में पे कर रहे हैं 700, 700 इंटू 9/12, 5 to 5, अब पीछे कितने मंथ्स रह गए, 3। 3 months के एक्सपेंस हम कैलकुलेट करेंगे लास्ट ईयर की पेमेंट से, 600 इंटू 3/12, 150। क्वेश्चन तो वही है ना, 675 आपके टोटल एक्सपेंस हो जाएंगे। अच्छा, अब ये 700 में से, 700 में से 9 months के एक्सपेंस हो गए, बाकी 3 months के प्रीपेड होंगे, कितने आ रहे हैं, 175। तो ये किसका एक शॉर्टकट हो जाएगा। समझ में, डायरेक्ट बताते तो समझ नहीं आता, फिर आप कहते सर ये क्या हुआ, टोपी करा दी आपने, यही होता है। फिर पहले अगर शॉर्टकट बताते तो आप पता है क्या बोलते, सर आपने तो ओके पैसे 165। जब इसको डायरेक्ट शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे 165, तो इसमें देखिए आप सबसे पहले ये देख लेंगे फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 30 जून, यहां लिखेंगे जून 30, और अब पेमेंट की डेट अप्रैल 1। तो अप्रैल से जून तक कितने मंथ्स हुए, अप्रैल से जून 10 मंथ होते हैं, अप्रैल मई जून 3 महीने होते हैं, 3 मंथ। जब करंट ईयर की पेमेंट कितनी है 12,000, 12,000 से 3 मंथ्स के एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएंगे 3,000 करंट। और अब इसे कितने मंथ्स रहेगा, 9 मंथ्स के एक्सपेंस हम लास्ट ईयर की पेमेंट से कैलकुलेट कर लेंगे, 10,800 इंटू 9/12, ये कितना आ रहा है 8,100, ठीक है, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 11,100 आपके टोटल एक्सपेंस आ जाएगा। और प्रीपेड देखिए करंट ईयर की पेमेंट से हमने यहाँ 3 मंथ्स के एक्सपेंस चार्ज किए, करंट ईयर की पेमेंट से 9 मंथ्स बचेंगे ना, इंटू 9/12, 9,000 आपके प्रीपेड हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये इसका एक शॉर्टकट सा तरीका है, तो इसमें आपको टाइमलाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इसलिए एंड में बता दिया ताकि ये आप यूज करेंगे, आप पहले बताते तो
अब इसमें देखें इसका 166 फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 जनवरी, यहाँ लिखते हैं 31 जनवरी। और अब ये रिसिप्ट की एंट्री क्या है, डेट क्या है, कैश रिसीप कब हो रहा है, 1 जुलाई, यहाँ लिखते हैं जुलाई 1। जुलाई से जनवरी 31 कितने मंथ्स हुए, 7 मंथ्स। 7 मंथ्स की इनकम हम कैलकुलेट करेंगे करंट ईयर के रिसिप्ट से, 30,000 से इंटू 7/12 कितना बन रहा है, 17,500। आप पीछे कितने मंथ्स रह गए, 5। 5 मंथ्स की इनकम हम कैलकुलेट करेंगे 24,000 से इंटू 5/12 10,000, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो टोटल इनकम आ जाएगी 27,500। ठीक है, अब प्रीपेड इनकम कैलकुलेट करेंगे। प्रीपेड इनकम देखिए, ईयर एंड कब हो रहे, 31 जनवरी, लास्ट रेंट हमने कब रिसीव किया होगा। अब ऊपर देखें डेट्स दी हुई हैं, 4 डेट्स हैं। 31 जनवरी को ईयर एंड हो रहा है तो लास्ट रेंट कब रिसीव हुआ होगा, 1 जनवरी को। ठीक है, अक्टूबर नहीं होगा, 1 जनवरी होगा, क्योंकि 31 जनवरी से पहले 1 जनवरी आता है ना, तो लास्ट रेंट हमने रिसीव किया होगा 1 जनवरी को, और वो होगा जनवरी फरवरी मार्च का रेंट, 3 महीने। ईयर एंड हो रहा है 31 जनवरी, तो फरवरी मार्च 2 महीने का रेंट प्रीपेड हुआ, तो 2 महीने का रेंट प्रीपेड है। तो आप 30,000 से डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 30,000 इंटू 2/12 आ रहे हैं 5,000। और आप उसपे क्वार्टरली में कन्वर्ट करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 30,000 पर ईयर था ना, उसको क्वार्टर में डिवाइड करने के लिए 1/4 किया जाएगा 7,500, और फिर इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, डिवाइड करें 3 से, तो 5,000 आ जाएगा प्रीपेड रेंट इनकम। तो आंसर होगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हाँ सॉल्यूशन कॉपी कर लें।